हुआ ये सब कुछ? किसने की तुम सब लोगों की दुर्गति? महाराज, जिसने हमारी ये दुर्गति की है वो एक भयानक वानर ही था। सेनापति, इसी समय आप सेना की टुकड़ी के साथ जाइए और वो वानर कहीं भी दिखाई दे उसे बंदी बनाकर यहां लाइए। यदि वो जीवित पकड़ में ना आए तो उसे समाप्त कर दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ये तुम क्या कर रहे हो पुत्र केसरी? हमें इस तरह हड़बड़ाहट में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी के भी प्राण लेने का निर्णय तो बहुत ही सोच विचार कर और केवल अंतिम विकल्प के रूप में लिया जाना चाहिए पुत्र। और यहां पर ध्यान देने योग्य बात तो यह भी है कि चाहे वो जो कोई भी हो, है तो हमारे जैसा ही वानर। तो फिर आप ही बताइए पिताजी, हम क्या करें? हमें अपनी प्रजा की चिंता है, उन्हें भयमुक्त कराना है। हमारे विचार से पुत्र, किसी भी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें एक बार उस वानर की सच्चाई जानने का भरसक प्रयास अवश्य करना चाहिए कि वो चाहता क्या है। उसने हमारे राज्य में ये जो उत्पात मचा रखा है इसका असली कारण क्या है? हाँ केसरी, वो वानर नहीं कोई और है। हो सकता है वो अपनी मुक्ति के लिए किसी व्यक्ति विशेष को ढूंढ रहा हो, इसलिए यहाँ के राजा होने के नाते आपको उसके पास जाना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि आखिर उसके मन में क्या बात है। ठीक है, हम स्वयं उस वानर के पास जाएंगे। सेनापति, हम भी आपके साथ चलेंगे। काका, आप इस राजमहल का ध्यान रखिए, हमारी अनुपस्थिति में वो यहां आ सकता है। अवश्य पुत्र। पिताजी, आप भी हमारे साथ चलिए। हां पुत्र, चलो चलो। कुछ तो रहस्य है इस वानर की सच्चाई के पीछे, ना जाने ईश्वर की क्या लीला है ये। महाराज, आप स्वयं देख लीजिए कैसा आतंक मचाया है उस मुक्ति वानर ने। हे ईश्वर, केसरी क्या हो गया ये सब? हाँ पिताजी, ये तो सच में ही बहुत ही भयावह है। आया कहां से था वो वानर? महाराज, उस दिशा से आया था वो वानर। वापस इसी दिशा में गया वो? उसका कुछ पता नहीं चलता महाराज, वो तो हवा के झोंके की तरह आता है और सब कुछ तहस नहस करके एक ही पल में लुप्त हो जाता है।
ढूंढो उसे, वो यहीं कहीं होगा, कोई तो निशानी होगी उसकी। महाराज, ये देखिए महाराज, उसके पैरों के चिन्ह। पैरों के चिन्ह ही उसका पता बताएंगे, वो यहीं कहीं होगा। चलो चलो पुत्र। सेनापति, क्या हुआ, आप रुक क्यों गए? महाराज, पैरों के निशान तो यहीं तक है, आगे कोई निशान दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसका अर्थ है वो वानर यहीं कहीं छुपा है। सतर्क हो जाओ, यदि वो वानर यहीं कहीं छुपा है तो हम पर आक्रमण कर सकता है। तुम सब सतर्कता से ढूंढो उसे। मुक्ति। मुक्ति दो। पाती वानर तो कहीं दिख नहीं रहा है पुत्र, वो वानर यहीं कहीं छुपा होगा। सैनिकों, तुम सब छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाओ। पुत्र, हम भी आगे चलकर ढूंढते हैं उसे, आओ। जी, ये ध्वनि तो उत्तर दिशा की ओर से आ रही है। हाँ तो पुत्र, उसी दिशा की ओर चलते हैं, चलो। बचाइए, हमें बचाइए महाराज। क्या एक कैसे हुआ? महाराज, वो मुक्ति वानर अचानक हम पर आकर टूट पड़ा और हम सबको मारने के बाद एकाएक कहीं लुप्त हो गया महाराज। वो किस ओर गया है? उस दिशा की ओर गया है महाराज। वो दुष्ट बचने न पाए। मुक्ति दो, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति दो मुझे, मुक्ति, मुक्ति चाहिए मुझे, मुक्ति दे दो,
पकड़ लो उसे। अब तुझे इस मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। भुजाओं में आकर तो यमराज भी नहीं छूट सकते। तू क्या छूटेगा दुष्ट वानर? कौन हो तुम और कहां से आए हो? मुक्ति दो मुझे, मुक्ति। भाई वो जो मुझे मुक्ति देगा, मुझे मुक्ति चाहिए। सैनिकों ले चलो इसे और कारागृह में डाल दो, वहीं मिलेगी इससे मुक्ति। हमें पूर्ण विश्वास हो गया है पुत्र कि ये प्राणी कोई सामान्य वानर है ही नहीं, अवश्य कोई दिव्य शापित शक्ति है जो केवल वानर का रूप धर के इधर उधर भटक रही है। इस बेला में यहाँ समय नष्ट करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। चलो चलकर महल में इस रहस्य पर चर्चा करते हैं, हो सकता है विचार विमर्श करने से इस जटिल समस्या का कोई हल निकल सके। प्रभु, अंजन प्रदेश में उथल पुथल मचा हुआ है और आप बैठे हुए लड्डू खा रहे हैं। यहां हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यह हो क्या रहा है। महाबली काका, रात हो गई, स्वामी अभी तक नहीं लौटे। अंजना पुत्री, वो बानर महाबलशाली तो है, बड़ा अद्भुत भी है। एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में कहीं दूर दिखाई देता है।
उसे पकड़ने में समय तो लगेगा ना। किंतु तुम चिंता मत करो, पुत्र केसरी सकुशल वापस आ जाएगा। महाबली काका, वो वानर कितना भी शक्तिशाली हो, किंतु वानरों में महाराज बाली को छोड़कर कोई भी वानर स्वामी से अधिक शक्तिशाली नहीं है। अब तक तो उन्हें उस वानर को बंदी बनाकर लौट आना चाहिए था। अरे हेलो, आ गए पुत्र केसरी। क्या हुआ स्वामी, वो पकड़ में आया? महाबली काका, मुझे तो लगता है वो वानर असुर नहीं है। तो फिर वो है कौन? उस वानर के साथ युद्ध करते समय ये आभास ही नहीं हुआ कि मैं किसी वानर या असुर के साथ युद्ध कर रहा हूं। यदि वो असुर होता तो कोई माया अवश्य रचता। हाँ जामवंत जी, हमें वो कोई शापित देव ही लगता है जो अपनी मुक्ति चाहता है और इसीलिए अपने मुक्तिदाता को ढूंढता हुआ हमारे राज्य में भटक रहा है। शापित देव, वो भी वानर के रूप में, ये कैसे हो सकता है? तो उस वानर की सच्चाई कैसे पता चली? काका, ये सच्चाई तो केवल मतंग ऋषि ही बता सकते हैं। हाँ पुत्र, उस वानर का सच तो प्रभु को भी ज्ञात होगा, फिर भी प्रभु शांत हैं। कौन हो सकता है वो वानर? कुछ तो रहस्य है उस वानर के इस उड़ाने में। हनुमान, तुम बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो। हाँ प्रभु, हमारे राज्य में कल से एक वानर घुस आया है। वो सबको घायल करके कहीं लुप्त हो जाता है और प्रभु उसे पिताजी और नाना जी भी नहीं पकड़ पाए। हनुमान, वो कोई वानर नहीं है, वो तो देवों की शिल्पी विश्वकर्मा देव है। जो अभी श्राप के कारण वानर रूप में भटकने के लिए विवश हो गए हैं। क्या वो विश्वकर्मा है? देखो मारुति, सीधे से बताओ क्या कहना चाहते हो तुम? माँ, मैं उस रहस्यमय वानर से मिलना चाहता हूँ। हमारे अंजन प्रदेश में उत्पात मचा रखा है। हम तुम्हें कभी समझ नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक अनुमति देता हूँ। जाओ, तुम उस वानर की सारी समस्या सुलझाकर शीघ्र ही आना।